उफ, सारा काम खत्म हो गया, थोड़ा आराम कर लेती हूँ। एक काम करती हूँ, उनको कॉल लगा के देख लेती हूँ कि वो फ्री हो गए या नहीं। उन्हें तो फुर्सत होगी नहीं कि मुझे कॉल करें। लगता है ये आज भी बिजी होंगे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसे हो बेबी? मैं तो ठीक हूँ, वैसे तुम क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही आपके कॉल का वेट कर रही थी। यार कल रात में काफी देर तक मीटिंग चल रही थी, इसलिए मैं थोड़ा लेट उठा। समझ गई थी मैं, बिजी होंगे तभी तो कॉल नहीं किया। और बताओ, घर का काम फिनिश हो गया? बस खाना बनाने की तैयारी है। ओ अच्छा अच्छा आपने कुछ नाश्ता वगैरह किया? नहीं, अभी तो फ्रेश हुआ हूँ, ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ, रास्ते में ही नाश्ता कर लूंगा कहीं। आप घर कब तक आओगे? देखो मेरा 5-6 दिन का वर्क पेंडिंग पड़ा है, जैसे ही खत्म होता है मैं घर आ जाऊंगा। अभी भी 5-6 दिन? हाँ यार, 5-6 दिन की ही तो बात है। आपने तो प्रॉमिस किया था ना इस हफ्ते जल्दी आ जाओगे। हाँ प्रॉमिस किया था, बट इमरजेंसी में एक वर्क आ गया था, उसे कंप्लीट तो करना ही पड़ेगा। इस बार आप आएंगे तो 2-3 महीने से पहले कहीं नहीं जाने दूंगी मैं आपको। अरे हाँ हाँ, तुम टेंशन मत लो, इस बार आऊंगा तो काफी टाइम तुम्हें दूंगा, ठीक है? तुम टेंशन मत लो। आप हर बार मुझे प्रॉमिस करते हो और हर बार तोड़ देते हो। देख लो, बाद में ये मत कहना कि मैंने नहीं बोला। अरे कुछ नहीं यार, जितना मेरे लिए काम जरूरी है उतना तो तुम भी जरूरी हो। सुनो ना, आपकी बहुत याद आ रही है। यार सच बोलो ना, तो मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आ रही है। रहने दो, एक नंबर के झूठे हो गए हो आप। अरे नहीं यार, सच बोल रहा हूँ, इसमें झूठ बोलने वाली कौन सी बात हो गई? अगर मेरी याद आती ना, खुद आप मुझे पक्का कॉल करते, पर आपने मुझे कॉल किया नहीं। अरे मैं कॉल ही करने वाला था, इतने में सामने से तुम्हारा कॉल आ गया। हर बार मैं ही आपको कॉल करती हूँ, आप नहीं करते मुझे। ये जो तुम्हारी शिकायतें हैं ना, इस पर भी मुझे बहुत प्यार आता है। बस बस रहने दो, बस आशिकी का भूत सवार रहता है आपके ऊपर, दिखाते तो हो नहीं। अरे इस बार आऊंगा ना तो तुम्हारी सारी शिकायतें दूर कर दूंगा, और हम गोवा भी चलेंगे। सच में? अरे हाँ सच में, मैंने तो एडवांस में टिकट भी बुक करवा लिया। पक्का ना? अरे हाँ पक्का। पहले प्रॉमिस करो। अरे हाँ प्रॉमिस, तुम्हारी कसम। चलो ठीक है, इस बार आपने कहा तो मान लिया मैंने। अरे 4-5 दिनों की ही तो बात है। अब मुझे ये बताओ कब तक आ रहे हो, मजाक नहीं कर रही। अरे आ जाऊंगा 5-6 दिन में। पक्का ना? हाँ हाँ पक्का। प्रॉमिस ना? तुम्हारी कसम। चलो फटाक से चुम्मी दो। चलो अब तुम भी दे दो। अरे भाव खाने लगी, दे दो ना। अरे एक बार। आए, ये हुई ना बात, मजा आ गया। अच्छा सुनो ना, मैं खाना खा के फ्री होके कॉल करता हूँ तुम्हें। पक्का ना? अरे हाँ हाँ पक्का। फोन करना, भूल मत जाना इस बार। अरे हाँ बाबा, लेकिन तुम भी जाओ, पहले खाना खा लो। ठीक है, मैं खाना बनाने जा रही हूँ, खाना बना के कुछ खा लेती हूँ, फिर बात करती हूँ आपसे। ओके ठीक, बाय, लव यू। भले इनको टाइम नहीं मिलता, पर कितना प्यार करते हैं मुझसे। हाय, ऐसा पति हर किसी को मिले। तब तक मैं खाना बना लेती हूँ, क्या पता वापस कॉल आ जाए। कौन? भाभी मैं विशाल। अरे विशाल, दरवाजा खुला हुआ है, अंदर आ जाओ। जी भाभी आ रहा हूँ।
अरे नमस्ते भाभी। कैसे हो विशाल? मैं ठीक हूँ भाभी, आप कैसी हो? मैं अच्छी हूँ। अच्छा, मैं पूछ रहा था कि भैया कहाँ है? भैया तो बाहर है, अभी तक आए नहीं है। कब तक आएंगे? लगेगा 5-6 दिन, 5-6 दिन में वापस आ जाएंगे, इसी हफ्ते। कुछ काम था क्या? हाँ भाभी, एक्चुअली समय मेरी सैलरी लेट होने वाली है तो मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी। कोई बात नहीं, मैं आपको ट्रांसफर कर देती हूँ। अरे नहीं भाभी, आप क्यों करोगी? तो क्या हो गया? तुम बैठो, मैं अभी आती हूँ। कितने चाहिए? 10,000 भाभी। 10,000? ओके, मैं अभी आई। विशाल अपना फोन चेक करो। हाँ, मैंने अभी तुम्हें 10,000 रुपए ट्रांसफर किया। वही दिख रहा था मैं। आ गए क्या? हाँ हाँ आ गए। अच्छा भाभी, मैं ये कह रहा था कि मैं मार्केट जा रहा हूँ, तो आपको कुछ चाहिए? नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। पक्का ना? पक्का। कुछ जरूरत हो तो मुझे बता दो। कोई नहीं विशाल, मुझे कुछ जरूरत होगी तो मैं तुम्हें कॉल कर दूंगी। ठीक है, लेते हुए आना। जी भाभी, मैं चलता हूँ। ठीक है ठीक है। बेचारा कितना सीधा साधा लड़का है, अगर मैं जिद नहीं करती तो बताता भी नहीं कि इसे पैसे चाहिए। पागल। चलो अच्छा हुआ, वो दे या मैं दू क्या फर्क पड़ता है, ख्याल भी तो रखता है मेरा। उनके ना रहने पे सामान का लेके आना लेके जाना सही है। विशाल जैसा देवर तो हर किसी को दे। अब कौन आ गया होगा? देखती हूँ जाके। आओ बैठो। हो गई तुम्हारी शॉपिंग? हाँ भाभी। क्या क्या लिया? घर का कुछ सामान था। अरे वाह, वैसे इसमें क्या रखा है? ये मैं आपके लिए लाया था। मेरे लिए? बट मैंने तो कुछ नहीं मंगाया। हाँ मैंने इसे अपनी तरफ से लाया, अब देखो तो सही, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अरे विशाल, क्या जरूरत है कुछ लेने की? भाभी एक बार चेक तो करो। ठीक है, तुम कहते हो तो मैं चेक करती हूँ। क्या लाए हो? अरे वाओ विशाल, ये तो बहुत प्यारी ड्रेस है। है ना भाभी? हाँ। पसंद आई ना आपको? बहुत ज्यादा। कैसे पहनते हैं? ऐसे। हाँ। अरे वाओ विशाल, ये तो बहुत प्यारा है। बिल्कुल भाभी। ये तो बहुत महंगा भी होगा। उससे आपको क्या लेना देना भाभी? क्या जरूरत है तुम्हें इतनी महंगी ड्रेस लाने की? और वैसे भी मैं तो वेस्टर्न पहनती नहीं, फिर क्यों लेकर आए? भाभी झूठ मत बोलो, मुझे पता है आप वेस्टर्न पहनती हो। तुमने कब देखा मुझे? हाँ अरे भाभी कान तो छोड़ो, दर्द हो रहा है। कब देखा मुझे वेस्टर्न पहनते हुए? मैंने देखा इंस्टाग्राम पे। अच्छा, चोरी चोरी तुम मेरी फोटोज देखते हो इंस्टाग्राम पे? आप मुझे बहुत अच्छी लगती हो, अब पहनती क्यों नहीं है? तुम्हारे भैया को ना वेस्टर्न ड्रेसेस अच्छे नहीं लगते, इसलिए नहीं पहनती। तो अभी यहाँ पे कौन से भैया? जाओ ना भाभी, पहन के आओ ना एक बार, मुझे देखना है, मुझे देखना है प्लीज भाभी। पागल। ठीक है अभी पहन के आती हूँ। तुम बैठो, मैं अभी आती हूँ। कितनी खुश थी ना मेरी ड्रेस देख के।
प्यारी वाइफ होने के बावजूद भी भैया हमेशा कैसे बाहर रहते हैं? देखो आज भाभी जी कैसे लगती है, पर फोटोज में तो अच्छी लग रही थी। वेस्टर्न में तो भाभी जी मस्त लगेगी। मेरा ये प्लान ना कामयाब हो जाएगा। हाय, मैं कितनी प्यारी लग रही हूँ ना यार। ये ड्रेस कितनी अच्छी लग रही है, रियली बहुत अच्छा लग रहा है मेरे ऊपर। इसे पहनने के बाद तो मैं कितनी प्यारी लग रही हूँ। लेकिन यार ये ड्रेस पहन के विशाल के सामने जाना अच्छा रहेगा? लेकिन यार उसने इतने प्यार से लाके दिया है, अगर उसके सामने पहन के नहीं गई तो उसका दिल टूट जाएगा। वैसे भी देवर ही तो लगता है मेरा, क्या फर्क पड़ता है। दिखाती हूँ पहन के मैं कैसी लग रही हूँ, फिर वो तो खुश हो जाएगा। मैं दिखा के आती हूँ। देखो विशाल, मैंने ड्रेस पहनी जो तुमने लाके दी थी मुझे। देखो कैसी लग रही हूँ मैं। बहुत सुंदर भाभी। थैंक यू विशाल, वाकई तुम ड्रेस बहुत अच्छी लाए हो, मुझे बहुत अच्छी लगी। भाभी आप वेस्टर्न ड्रेस ही पहना कीजिए। पागल, उनको पसंद नहीं है। हाँ इसलिए मैं वेस्टर्न नहीं पहनती, साड़ी पहनती हूँ मैं। वो तो तुम इतने प्यार से लाके दिए थे इसलिए सोचा पहन लूं मैं, फिर तुम्हारा दिल टूट जाता ना। भाभी एक बात बोलूं। क्या? अगर आप मेरी वाइफ रहती ना। हाँ। तो मैं हमेशा आपके पास रहता, कभी दूर नहीं जाता। पागल, अच्छा मजाक कर लेते हो। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ भाभी, मैं सीरियस हूँ और मैं आपको पसंद भी करता हूँ। विशाल पागल हो गए हो क्या? मुझे लगा मजाक कर रहे हो। भाभी मैं सच में आपको चाहता हूँ, और आपको भी तो भैया टाइम नहीं देते ना। भैया अपने काम में बिजी रहते हैं इस वजह से मुझे टाइम नहीं देते, लेकिन आपके भैया मुझसे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन आपको मेरा प्यार नहीं दिख रहा है भाभी। विशाल बहुत ज्यादा बोल रहे हो। भाभी आप मेरी बात सुनो। मुझे पता है तुम मजाक कर रहे हो। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ भाभी, मैं सीरियस हूँ आपके प्यार में। ये तुम क्या कर रहे हो? हाथ छोड़ो मेरा तुम। विशाल हाथ छोड़ो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, बहुत हो गया। विशाल चले जाओ यहाँ से तुम। मुझे लगा था तुम मजाक कर रहे हो इसलिए मैंने कुछ नहीं बोला तुम्हें। तुम्हारी लाई हुई ड्रेस मैंने इतने प्यार से पहन ली, तुम्हें पता था मैं वेस्टर्न ड्रेसेस नहीं पहनती, सिर्फ साड़ी पहनती हूँ मैं। तुम्हें बुरा ना लगे इसकी वजह से मैंने ये पहना था। तुम्हें मैंने प्यार से अपने घर में जगह क्या दे दी, तुमने मेरा हाथ ही पकड़ लिया। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी विशाल। विशाल तुम चले जाओ यहां से। मैं विशाल को बच्चा समझती थी, मैं एकदम सीधा साधा है, आता जाता है घर पे, ये नहीं है कि चलो ठीक है हालचाल पूछ लेते हैं। विशाल ये तो वही वाली बात हो गई ना, किसी को उंगली क्या पकड़ाई, उसने तो पूरा हाथ ही पकड़ लिया मेरा। मुझे लगा मजाक कर रहा है ये, लेकिन ये तो सीरियस है। इसका तो हर हाल में घर में आना जाना बंद करना पड़ेगा मुझे।
नहीं तो ये मेरा जीना हराम करके रख देगा। और इनसे क्या बोलूंगी मैं? सबसे पहले तो जाके मैं ये ड्रेस चेंज करती हूँ, मुझे पहननी ही नहीं चाहिए थी इस पागल के सामने।